हे गाइस व्हाट इज अप, मैं हूं सचिन भट्ट और आप देख रहे हैं टेक्स 24। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं हॉनर 7C के बारे में। इस डिवाइस में मैं इसका हैंड्स ऑन लूंगा, मैं इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम टेस्ट कर लेंगे इसका कैमरा कि आपको किस तरह से परफॉर्म करके दे देगा। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो अगर मैं हॉनर 7C की बात करूँ तो ये एक्स है, ये आता है दो वेरियंट्स में। एक आता है जो है वो आएगा आपका 4+64GB स्टोरेज के साथ में और एक आएगा जो वो मिलेगा आपको 3+32GB स्टोरेज के साथ में। जो 3GB रैम का स्टोरेज है वो आपको मिल जाएगा 9999 में और जो 4GB रैम वाला और 64GB वाला स्टोरेज वेरिएंट है वो मिल जाएगा आपको 11999 मतलब कि 12000 में। लेकिन ये जो डिवाइस है ये अवेलेबल होगा Amazon से एक्सक्लूसिवली और 31 मई 12 बजे से इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। और ऑल्सो ये हुआवे का हॉनर जो खुद की इनकी स्टोर है उस पर भी ऑनलाइन ये अवेलेबल होने वाला है। सो दोस्तों जैसे कि आप डिवाइस को देख सकते हो हाथों में काफ़ी अच्छा फील करता है और एक सॉलिड डिज़ाइन है इस डिवाइस का रियर में। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्यूल कैमराज हैं और उसके साथ में आपको मिल रहा है LED फ्लैश। देन यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आप आओगे तो एक फिंगरप्रिंट सेंसर। ओवरऑल जो इसका बैक है वो काफ़ी देखने में अच्छा फील हो रहा है। देन आइए हम फ्रंट में देख लेते हैं। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस डिवाइस में 5.99 इंच का बोले तो लगभग 6 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि है 18:9 का और यहाँ पे HD+ डिस्प्ले ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो 14000 रुपये में 12000 रुपये में आपको HD+ डिस्प्ले मैं पहले बता दूँ कि एक बेटर ऑप्शन नहीं है। देन दोस्तों इसमें आपको अगर मैं राइट साइड में अगर आप देख रहे हो तो राइट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वॉल्यूम रॉकर्स प्लस में वेकअप बटन। देन दोस्तों अगर हम लेफ्ट साइड में आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मिलने वाला है सिम ट्रे। सो दोस्तों जैसा कि आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है 3.5mm का जैक बॉटम में और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स देन USB पोर्ट जो कि एक रेगुलर USB पोर्ट वो मिल जाएगा। हॉनर 7A की तरह आपको ऊपर यहाँ पे 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा। देन दोस्तों अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो डिवाइस रन करता है EMUI 8.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 8.0 ओरियो पे। देन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको स्क्रीन मिलने वाला 5.9 इंच का HD+ जिसका रेजोल्यूशन है 720x440 पिक्सल्स और ये डिस्प्ले है वो है IPS का डिस्प्ले। देन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर मिल जाएगा। देन आइए दोस्तों हम इसके कैमराज डिपार्टमेंट देखें तो आपको अगर दोस्तों मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो जैसा कि हॉनर 7A में आपने कैमरा देखा होगा ठीक उसी तरह का इसमें कैमरा सेटअप मिलने वाला है। हॉनर A में था कि आपको यहाँ पर 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल रहा था और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा था, तो इसमें भी आपको सेम मिल जाएगा लेकिन और क्वालिटी में भी लगभग ये आपको सेम मिलने वाला है वो आप आगे देखने वाले हो। सो दोस्तों इस डिवाइस में आपको मिल जाएगा 3000mAh की बैटरी। दोस्तों इस डिवाइस में आपको फेस अनलॉक का भी फीचर मिल जाएगा जो कि अब आजकल डिवाइसेस में आम बात होती जा रही है, कोई भी नई बात नहीं है फेस अनलॉकिंग का फीचर देना। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कैमरा किस तरह से परफॉर्म करने वाला है इस डिवाइस का। और सो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि इसका कैमरा किस तरह से रिस्पॉन्स करता है या परफॉर्म करता है जो भी आप कह लो। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया ये कैमरा और इस इमेज को मैंने स्टेबल होने दिया। देन यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया और अब इसको जूम करके देखते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हो कि जो इसकी क्लियरिटी है वो कितनी अच्छी तरह से आ रही है। हालांकि जो कंडीशन है वो लाइटनिंग यहाँ पे अच्छी है तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये कैमरे का ओवरऑल इमेज निकल के आया है। काफ़ी जो कलर्स हैं वो अच्छे हैं लाइट के हिसाब से एंड जो डेप्थ है इमेज में वो भी मेरे को अच्छी दिखी। ये ज़्यादा ब्लर जूम करने पे ज़्यादा ब्लर भी नहीं हो रहा है, हालांकि इन्होंने इसको ज़्यादा जूम होने नहीं दिया जो स्क्रीन है। देन दोस्तों हम फ्रंट कैमरे के और कुछ फीचर्स देखेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे मोड्स मिल जाएंगे कुछ, पैनोरमा मोड, वीडियो मोड, फिल्टर, वाटरमार्क एंड और ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे परफेक्ट सेल्फी, टाइमर लगा सकते हो। देन यहाँ पे अदर ऑडियो कंट्रोल का कुछ फीचर, बाकी जो भी अदर सेटिंग्स में या आम सेटिंग आम फोन्स में जिस जिनके सेटिंग्स में होता है वो आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ पे रियर में आइए हम देखते हैं, रियर में इमेज क्लिक करके देखेंगे कि रियर का जो इसका कैमरा है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये कर दिया मैंने इमेज क्लिक एंड ये इमेज थोड़ी सी अच्छी नहीं आई। देन मैं इसको थोड़ा और स्टेबल करके और अच्छे से आपको लेके दिखाता हूँ। तो ये इमेज को मैंने कर दिया स्टेबल, देन ये कर दिया मैंने क्लिक और अब इसको हम देखेंगे कि किस हिसाब से इसका जो कैमरा है वो परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बता दिया लाइट है यहाँ पे अच्छी खासी
तो आप देख सकते हो इतना जूम करने के बावजूद भी जो कैमरे का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। हालांकि जो पीछे के जो लाइटनिंग्स हैं वो भी कुछ इसके कैमरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो इसके कैमरे के ठीक ऊपर भी कुछ लाइट्स है तो आपको ज़्यादा ब्लरी टाइप का जो इमेज वो है दिखा होगा, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा रिस्पॉन्स कर देगा। इसी वजह से मैंने इसको दूसरे इमेज को क्लिक कर दिया, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी डिटेल्स हैं वो किस तरह से उभर के आते हैं। तो आप जैसे वर्ड्स जो हैं वो देख सकते हो कि कितने क्लियर वर्ड्स आप पढ़ सकते हो जूम करके, यहाँ पे कोई भी किसी तरह का ब्लर वगैरह नहीं है, जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। सो ओवरऑल मेरे कैमरे का अगर मैं फीडबैक बताऊँ तो जो हॉनर सी से जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी डिसेंट है रेंज के हिसाब से कैमरा। हालांकि जो मुझे इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इसमें 12,000 रुपये में आपको HD+ का ही डिस्प्ले ये दे रहे हैं, फिर उसके बाद स्नैपड्रैगन का 450 थोड़ा सा और परफॉर्मेंस वाइज में स्नैपड्रैगन का 636 इनको देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों मैंने एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसको इसकी स्पीड को और आईफोन 10 की स्पीड टेस्ट को कंपेरिजन किया है कि कौन ज़्यादा फास्ट है। तो अगर आपको ऐसा वो वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेरे को नीचे बताओ, मैं आपको कुछ ही देर में वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो, क्योंकि आगे चल के और भी लेटेस्ट आपको इसी तरह की वीडियोस मैं देने वाला हूँ। सो सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।